नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। चुनावों से पहले ही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बुरी फंसने वाली है और जल्द ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसी गलती की है जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब जो एक्शन होगा उससे यूपी का सियासी पारा चढ़ना भी लाजमी है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी तारीख नजदीक आते ही यूपी में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की वो मुसीबत में पड़ गए और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर संकट आ खड़ा हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया है, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सोशल मीडिया पर नहीं दी गई और ये भी नहीं बताया गया कि नाहिद हसन को क्यों टिकट दिया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे सीधे अवहेलना है। याचिका में कहा गया है कि नाहिद हसन दो बार विधायक रह चुके हैं। शामली पुलिस ने नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नाहिद हसन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है, इसमें क्या राणा से हिंदुओं के पलायन का मामला भी दर्ज है। यानी कि नाहिद हसन को लेकर सपा बुरी फंस गई है और समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दांव पर लग गई है। इसके साथ ही सपाइयों की एक गलती समाजवादी पार्टी पर और भारी पड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रचना सिंह के एक वीडियो पर भी काफी विवाद गरमा रहा है। रचना ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया, इसमें सपा कार्यकर्ता रोड शो करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद इस वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर है। वीडियो के बैकग्राउंड म्यूजिक में माँ तुझे सलाम गाने को शामिल किया गया है, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं के रोड शो के जरिए कहा जा रहा है, हिम्मत है तो रोक ले, सख्ती से हम डरते नहीं, अपना लहू कहता है ये हम वीर हैं मरते नहीं, फूंक डालो दुश्मन को। इस गाने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्विटर पर चुनाव आयोग को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। शहजाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी खुलेआम काटने फूंकने की धमकी दे रही है, ये लोगों को भड़काने का काम है। ट्विटर पर चुनाव आयोग से शिकायत करते ही उत्तर प्रदेश पुलिस भी हरकत में आ गई है। ट्विटर पर ही यूपी पुलिस ने मामले में कानपुर देहात पुलिस को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। यानी कि समाजवादी पार्टी को उनके ही नेता अब मुसीबत में डाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मान्यता पर गहरा संकट मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा कि समाजवादी पार्टी ने कैराना से गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया है, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा नहीं की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने भी सपा के एक गाने पर एक्शन लिया है, जिसमें बीजेपी ने लोगों को धमकी देने का आरोप लगाया है। यानी कि चुनावों से पहले ही सपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।